ये सिर्फ बीएसपी की हार नहीं है, ये पूरे देश के जो दबे कुचले लोग हैं सदियों से जिन्होंने पीड़ा सही है, जिनको एक उम्मीद की किरण आई थी कि इस देश के अंदर बहुजन सत्ता कायम होगी, आज उसको झटका लगा है। आज वो लोगों का दिल टूटा है, उनके इनके दिमागों में उनके शॉट लगा है कि ये क्या हो गया, किस तरह से जो हमारी बहन जी बैठी थी इस बड़े मिशन को लेकर राष्ट्रीय पार्टी बना करके, इन सब ने मिलकर और विभीषणों के साथ मिलकर के इन मनुवादियों ने आज उस पर भारी हमला किया है। तो ये जो विभीषण है इन विभीषणों को समझाना पड़ेगा। लेकिन हम दुखी जरूर हैं, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, दोबारा से मेहनत करके और बहन जी को आकाश को हम चिट्ठी लिखेंगे और उनको कहेंगे कि नीचे से ऊपर तक ओवरहॉलिंग कर दो, बदल दो सारे स्टेट कमेटियां और वहां पे जो जमीन पे काम करते हैं उनको बनाओ, उनको नेता बनाओ, और ये वीआईपी कल्चर वाले नेताओं को सीधे बाहर करो, कड़क कुर्ते पजामे वालों को जो ऑफिसों में बैठ करके तो बहुत बहुत डींगे हाँकते हैं, बड़े मिशन की बातें करते हैं, अरे जनता में झोंपड़ों में जाओ जहां हमारे लोग रहते हैं, झुग्गियों में जाओ जहां हमारे लोग रहते हैं, और सभी एस सी एस टी की जातियों को चुन चुन करके उनकी जो जो हमारी एस सी एस टी शेड्यूल लिस्ट में जाती है उनके घरों में जाकर के उनको रिप्रेजेंटेशन दो, उनको लेकर के आओ। पहले सोशल इंजीनियरिंग एस सी एस टी में करो तो उसके बाद किसी और से करना। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, हमारे अभी जो लोगों के दिमाग में चर्बी चढ़ गई थी जो लीडरशिप में, उसको ढीली करनी है। और ये पैसे का जो कल्चर है ना, पैसे का, कि कैंडिडेट पैसे वाले ही चाहिए, हमारे नेता पूछते हैं कि भैया तुम्हें कितने पैसे खर्च करोगे, अरे भैया हमारे हमें मिशनरी आदमी करना है, हम चंदा मांगेंगे चुनाव लड़ेंगे, हमें तो एक नेता बोलता है चंदे से कोई चुनाव लड़ते हैं, भैया चंदे से ही तो लड़ते हैं, चंदा लेके तो मान्यवर कांशीराम जी ने जीरो से हीरो बनाए, और आप तुम वो कल्चर छोड़ दिया, तुमने चंदा मांगना छोड़ दिया। सर मैं गवाह हूं इस बात का, 20 साल 25 साल पहले मैं देखता था जो अपना वहां पर कोने पे बैठ करके जो अपना वो बूट पॉलिश कर रहा है अपना आदमी, वो 50-50 पैसे एक एक रुपया जमा करके पार्टी को देते थे, तो अब पार्टी के अंदर लोगों की भावनाएं थी, वो कल्चर छोड़ दिया आपने, उन लोगों का आपने उन लोगों को जो एक रुपया दे रहा है वो जुड़ेगा पार्टी के साथ, वो कल्चर बिल्कुल छोड़ दिया। करोड़ोंपति चाहिए तुम्हें, और करोड़ोंपति कितने दिल्ली में इन्होंने करोड़ोंपति ढूंढे, 5-5 हजार वोट आई है सर, देखो 5-5 हजार, तो इनको इन ऐसी स्टेट कमेटी को निकाल के बाहर करो, इनको आउट करो बिल्कुल पार्टी से, और जो जमीन पे काम कर रहे हैं 20-20-30-30 साल से उनको ला करके उनको नेता बनाओ, देखो पार्टी रातों रात रिवाइव होगी। और 24 जो लीडरशिप बने, जो पदाधिकारी बने, उनको बोल दो 24/7 काम होना है, सिर्फ चुनाव में नहीं होना, 24/7, और इसीलिए पार्टी को जो दोबारा से रिवाइव करना है, पार्टी अभी ताकत में है, कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पार्टी को हमें शक्ति में लाना है, बस वोटों को प्रतिशत को हमने बढ़ाना है, उसके लिए मिलके काम करेंगे जी। आप अपनी बातों ही बातों के अंदर एक बात करते हैं, विभीषण की बात करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बसपा के अंदर कौन है विभीषण, या यूं कहें बसपा के अंदर है कौन है कटप्पा जो बार बार बसपा को डैमेज करने का काम करते हैं, किसके ऊपर आप ये जिम्मेदारी कहते हैं, किसके लिए आप विभीषण कहते हैं बार बार, जो बसपा का वोट परसेंटेज लगातार अंदर ही अंदर कम करवाने की कोशिश करता है, तमाम देश दुनिया के लोग इस बात को समझना चाहते हैं। सर एक तो देखो संगठनात्मक चीजें हैं, ये तो पार्टी को समझना, आकाश आनंद ने जो इशारा किया है वो बड़ा इशारा है, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, मैंने भी देखा, बहुत दुखी हूँ मैं, महाराष्ट्र से होकर के राजस्थान हर जगह जाके स्टेट कमेटियों के लोगों के साथ मैंने मैंने काम किया, वहां पर मैंने देखा वहां की जो स्टेट की लीडरशिप है वो काम नहीं करती है, वो सिर्फ बहन जी के नाम को कैश कर रहे हैं, बीएसपी के नाम को, उसके नाम को कैश कर रहे हैं, और वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ वो पार्टी के नाम पर ही चुनाव जब आता है बस चुनाव के समय पर ही थोड़े एक्टिव होते हैं, उससे पहले एक्टिव नहीं होते हैं, जिस तरीके से माननीय कांशीराम जी काम करते थे, बहन जी काम करती थी, जो पार्टी का परंपरागत काम करने का तौर तरीका है, कैडराइज लोगों को लाना, अपनी तरफ आकर्षित करना, उनके डे टू डे की उनकी उनकी समस्याओं में खड़े होना, उसकी वजह से कोई दूसरा आकर के वो उसको हमारे लोगों को नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और हम इतनी बड़ी पार्टी संगठन होकर के इतने हर जगह स्टेट कमेटियां होने के, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां, गली गली में बीएसपी के वहां लीडरशिप है, वो काम नहीं करते हैं बिल्कुल, और सिर्फ चुनाव में आकर के काम करते हैं। एक तो संगठनात्मक जो आकाश ने कहा है वो परिवर्तन होने हैं और उसपे काम होना, एक तो वो है। दूसरी बात ये कि मैं बेहद दुखी रहता हूँ जो अपने तथा कथित ये जितने लोग हैं तथाकथित जो हमारे बुद्धिजीवियों के नाम पर हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट पार्टी में नहीं रहते हैं, किसी भी पार्टी के जो बुद्धिजीवी होते हैं वो डायरेक्ट कभी भी पार्टी में नहीं रहते हैं। अब आरएसएस के बुद्धिजीवी जो प्रोफेसर हैं, जो वकील हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, कुछ हैं, वो अपनी पार्टी के लिए, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, अपनी विचारधारा पार्टी के लिए समर्थन में काम करते हैं। यहाँ तक कि देखो एक लक्ष्मण यादव नाम का आदमी है, वो प्रोफेसर था कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो बाबा साहब की फोटो लेके घूमता है, वो बहुजनों की बात करता है, लेकिन किस पार्टी में जाता है, वो अपनी जाति की पार्टी में जाता है, समाजवादी पार्टी में जाके खड़ा हो रहा है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता है, जबकि आरक्षण के खिलाफ
समाजवादी पार्टी ने काम किया, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी अपनी पार्टी के विरुद्ध बोलते हैं, दिन रात भौंकते रहते हैं, अपनी पार्टी अपने विचार अपने संगठन के खिलाफ बोलते हैं और वो दूसरों के साथ जाके खड़े होते हैं। ये सबसे बड़े विभीषण, ये लोग जो अपने आप को तथाकथित बहुजन बुद्धिजीवी कहते हैं, इनको बहुजन बुद्धिजीवी नहीं कहना चाहिए, ये बहुजन नहीं है, ये दूसरों के बुद्धिजीवी है, जनरल के वह इंडिया गठबंधन जनेऊधारी, राहुल गांधी तुम्हारा नेता है जनेऊधारी, जो खुल के कहता है मैं जनेऊधारी हूं, ये समाजवादी पार्टी का मुखिया ये है तुम्हारा नेता जो वहां पे यज्ञ करता है, जो वहां पर जाकर के मंदिरों में जाकर के टीके लगा करके और वो वही पूजा करता है उसी तरह के वो करता है, ये है तुम्हारी ये बाबा साहब की विचारधारा, ये जय भीम बोलते हो छोड़ दो जय भीम बोलना, ये नमो बुद्धाय बोलते हो छोड़ दो नमो बुद्धाय, तुम इन्हीं हिंदूवादी ब्राह्मणवादियों के तुम चेले हो और तुम इन्हीं के भेष बदल के तुम रहते हो, उनको पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। और यही लोग कारण है धोखेबाज, जिन्होंने हमारे 3.5% वोट को भी गुमराह किया है, इनके चक्कर में वो आ जाते हैं कि भाई ये हमारे हमारे बुद्धिजीवी हैं, फलाने डिकने ये कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है, इन्होंने जोर जोर से कहा हमारा वोट भी गुमराह हो गया। तो ये विभीषण है और पार्टी के संगठन के अंदर जो विभीषण है, तो पार्टी के लीडरशिप को, आकाश को और बहन जी को उसको देखना पड़ेगा और उनको उनकी कार्यशैली में या तो बदलाव करना पड़ेगा या उनको हटाओ ना। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे 30-30, 20-20 साल से दिन रात झोला लेकर के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं दीवानों की तरह, पागलों की तरह, अरे उनको बनाओ स्टेट प्रेसिडेंट, उनको बनाओ प्रभारी, ये कार का कल्चर छोड़ो, ये पार्टी जीरो से पैदल से लेकर के साइकिल लेकर के कब हवाई जहाज तक पहुंची है, और तुम्हें कार वाले नेता चाहिए, हटाओ इन कार वाले नेताओं को, ये एयर कंडीशन में बैठने वालों को निकालो बाहर और जो जमीन पे काम कर रहा है उनको बनाओ। मैं कहता हूँ खुला, मैं बहन जी को चिट्ठी लिखने वाला हूँ, मैं आकाश को चिट्ठी लिखने वाला हूँ, इस तरह की पार्टी के कार्यशैली को लाओ। ये सिर्फ बीएसपी की हार नहीं है, ये पूरे देश के जो दबे कुचले लोग हैं सदियों से, जिन्होंने पीड़ा सही है, जिनको एक उम्मीद की किरण आई थी कि इस देश के अंदर बहुजन सत्ता कायम होगी, आज उसको झटका लगा है, आज वो लोगों का दिल टूटा है, उनके इनके दिमागों में उनके शॉट लगा है कि ये क्या हो गया, किस तरह से जो हमारी बहन जी बैठी थी इस बड़े मिशन को लेकर राष्ट्रीय पार्टी बना करके, इन सब ने मिलकर और विभीषणों के साथ मिलकर के इन मनुवादियों ने आज उस पर भारी हमला किया है। तो ये जो विभीषण है इन विभीषणों को समझाना पड़ेगा, लेकिन हम दुखी जरूर हैं, लेकिन हमने उम्मीदें नहीं छोड़ी है दोबारा से मेहनत करके, और बहन जी को आकाश को हम चिट्ठी लिखेंगे और उनको कहेंगे कि नीचे से ऊपर तक ओवरहॉलिंग कर दो, बदल दो सारे स्टेट कमेटियां और वहां पे जो जमीन पे काम करते हैं उनको बनाओ, उनको नेता बनाओ, और ये वीआईपी कल्चर वाले नेताओं को सीधे बाहर करो, कड़क कुर्ते पजामे वालों को जो ऑफिसों में बैठ करके तो बहुत बहुत डींगे हाँकते हैं, बड़े मिशन की बातें करते हैं, अरे जनता में झोंपड़ों में जाओ जहां हमारे लोग रहते हैं, झुग्गियों में जाओ जहां हमारे लोग रहते हैं, और सभी SC ST की जातियों को चुन चुन करके उनकी जो जो हमारी SC ST शेड्यूल लिस्ट में जाती है उनके घरों में जाकर के उनको रिप्रेजेंटेशन दो, उनको लेकर के आओ, पहले सोशल इंजीनियरिंग SC ST में करो तो उसके बाद किसी और से करना। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, हमारे अभी जो लोगों के दिमाग में चर्बी चढ़ गई थी जो लीडरशिप में, उसको ढीली करनी है, और ये पैसे का जो कल्चर है ना, पैसे का, कि कैंडिडेट पैसे वाले ही चाहिए, हमारे नेता पूछते हैं कि भैया तुम्हें कितने पैसे खर्च करोगे, अरे भैया हमारे हमें मिशनरी आदमी करना है, हम चंदा मांगेंगे चुनाव लड़ेंगे, हमें तो एक नेता बोलता चंदे से कोई चुनाव लड़ते हैं, भैया चंदे से तो लड़ते हैं, चंदा लेके तो माननीय कांशीराम जी ने जीरो से हीरो बनाए, और आप तुम वो कल्चर छोड़ दिया, तुमने चंदा मांगना छोड़ दिया। सर मैं गवाह हूं इस बात का, 20 साल 25 साल पहले मैं देखता था जो अपना वहां पर कोने पे बैठ करके जो अपना वो बूट पॉलिश कर रहा है अपना आदमी, वो 50-50 पैसे एक एक रुपया जमा करके पार्टी को देते थे, तो अब पार्टी के अंदर लोगों की भावनाएं थी, वो कल्चर छोड़ दिया आपने, उन लोगों का आपने उन लोगों को वो जो एक रुपया दे रहा है वो जुड़ेगा पार्टी के साथ, वो कल्चर बिल्कुल छोड़ दिया। करोड़ों पति चाहिए तुम्हें, और करोड़ों पति कितने दिल्ली में इन्होंने करोड़ों पति ढूंढे, 5-5 हजार वोट आई है सर, देखो 5-5 हजार, तो इनको इन ऐसी स्टेट कमेटी को निकाल के बाहर करो, इनको आउट करो बिल्कुल पार्टी से, और जो जमीन पे काम कर रहे हैं 20-20-30-30 साल से उनको ला करके उनको नेता बनाओ, देखो पार्टी रातों रात रिवाइव होगी। और 24 जो लीडरशिप बने, जो पदाधिकारी बने, उनको बोल दो 24/7 काम होना है, सिर्फ चुनाव में नहीं होना, 24/7, और इसीलिए पार्टी को जो दोबारा से रिवाइव करना है, पार्टी अभी ताकत में है, कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पार्टी को हमें शक्ति में लाना है, बस वोटों को प्रतिशत को हमने बढ़ाना है, उसके लिए मिलके काम करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है,
जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप किस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।